संग्राम। एक बार प्रेम से बोले सच्चे दरबार की। हर जग तो हरे गुण गाई है मैया, चाहे जुग कौनो आई। जग तो हरे गुण गाई है मैया, चाहे जुग कौनो आई। जग तो हरे गुण गाई है मैया, चाहे जुग कौनो आई। अरे सतयुग में जगदम त्रेता में सीता मैया, ओ सतयुग में जगदम्ब भवानी त्रेता में सीता मैया। द्वापर में तू राधा रानी आदि भवानी गवले ओराई। महिमा मनोज के ना गवले ओराई, चाहे जुग कौनो आई। जग तोहरे गुण गाई है मैया, चाहे जुग कौनो आई। आज हमनी के भोजपुरी संगीत के महासंग्राम सुर संग्राम में भक्ति के बयार बहावे के कोशिश करत नहीं जा। माई के गुणगान शब्द से ओह भाव से करे के ऐसा लगता जैसे हम नवरात्र में 9 दिन गाना गौले होखी, गला काम नीखे करत। फिर भी जवन हमनी के पूजा बाटे शब्द के उ तो माई के चरण में पहुंच रहल बाटे, और माई के गीत माई के भाव कबो राइल नीखे। जोरदार ताली से स्वागत करे के हमनी के न्यायाधीश आदरणीय भोजपुरी लोगन के सपना हमनी के कल्पना के जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। हरे महिमा ना केहू के गवले ओराई, चाहे जुग कौनो आई। जोरदार ताली से स्वागत करे के हमनी के आदरणीय जज दूसर न्यायाधीश के कुर्सी पर मालिनी अवस्थी जी के स्वागत करे के। महिमा न केहू के गवले ओराई, चाहे जुग कौनो आई। महिमा न केहू के गवले ओराई, चाहे जुग को चाहे जुग को चाहे जुग कौनो आई। माई के कृपा के कौन और छोर नहीं खे। अगर जिकरा पावे के बाटे वो भक्ति के सागर में डूबी तो जरूर कुछ न कुछ ले के आई। आज एक और ऐसे शख्सियत जे भोजपुरी के भी मान बढ़ेले बड़े, कबो सिनेमा बना के कबो भोजपुरी के गीत गा के आज हमनी के एक कुर्सी पे बैठे आ रहल बानी। दुनिया में जिनका के भजन सम्राट के रूप में जानल गेल बाटे, और जब जब भजन सम्राट के नाव आई तो मन में सिर्फ अनूप जलोटा जी का। मनोज के रुआ जानी इतने में मनोज तिवारी बड़का पहाड़ हो जाई। हमनी के आदरणीय कल्पना जी भैया और मालिनी जी की तरफ से भी आपके बहुत बहुत स्वागत। दोनों को जानता हूँ और दोनों का गाना बहुत पसंद करता हूँ। भैया हम आपसे एक सवाल कही जाए, भोजपुरी के प्रति इतना प्रेम कैसे? मैं लखनऊ का हूँ, बिहार बहुत आता जाता रहा हूँ, मैंने बहुत से कार्यक्रम बिहार में किए हैं। तो हम तो जिस प्रदेश के हैं उस प्रदेश का नाम जहाँ जाएंगे उज्ज्वल करेंगे। मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि संगीत में 7 सुर होते हैं, आज पार्टिसिपेंट्स भी 7। तो आज का जो दिन है
बहुत शुभ है, आप लोग सात लोग हैं और आप लोगों को संगीत में कुछ प्रस्तुत करना है। सात सुर यहां खड़े हैं, तो बस अच्छा गाइए, ऐसा सुर लगाइए कि ऐसी सरगम हो, सुर संग्राम नहीं हो, सुर की सरगम हो जाए, बस आज ऐसा कर दीजिए। हम चाहतनी कि रुआ अपने मुंह से खाली वहां जाए से पहले एक बार वो लाइन सुना दी जवन सुन सुन के न जाने करोड़ों हृदय रोज सवेरे जागल बाटे। जरूर सुनाता हूं। कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल रे, कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल, कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल रे, कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल। मद ने हमेशा रहा मैं चूर चूर, मद में हमेशा रहा मैं चूर चूर, मंदिरों से भगवन में रहा दूर दूर, किसी से न बोले मैंने दो मीठे बोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल। हमनी के बहुत सौभाग्यशाली बानी जब भैया इस सुर संग्राम में रुवा आवे के समय देली हम आपके अपनी कुर्सी तक बैठा। जरूर मैया बड़ी दयालु बिया, बड़ी कृपालु बिया, आज 24 में से 12, 12 में से 7, 7 गो सुर के नियंत हमार 7 प्रतिभागी लोग बाने, 3 गो उत्तर प्रदेश की और 4 गो बिहार की। हमनी के जो भोजपुरी संगीत के महासंग्राम चल रहा बटे ओकरा में एगो बड़ी भारी घमासान बा, घमासान में आज उत्तर प्रदेश एक अंक से पीछे बा, एक सीट से पीछे बा, लेकिन अगर अंक देखल जाए तो अंक के मामले में उत्तर प्रदेश के एक सुरवीर अभी भी बहुत आगे तहलका मचा रहल बड़े। और आज के भंवर जाल में फंसी केकरा चक्रव्यूह के तरफ रास्ता खुल जाई एकर डिसीजन आज करब हमनी के आदरणीय जज अनूप जलोटा जी। और ये बात आप लोगों के बतावर आप जोरदार ताली से स्वागत करी रांची के ज्योति साहू के। जय माता दी। जय माता दी। आप तो रांची के बानी, रजरप्पा बाई के दर्शन केले बड़ू? जी केले बानी। जोरदार ताली से एक बार स्वागत करके ज्योति। सबसे पहले आदरणीय जजेस को के हम प्रणाम करे चाहत बानी और माता रानी से ही कामना बा हमार की हमरा ऊपर आशीर्वाद बनाए रखी, काहे कि जेकरा ऊपर माता रानी के आशीर्वाद होखेला ओकरा ऊपर कोई आँच ना सके। जय माता दी। जय माता दी। जागतारन घर के दियारा बाहर आईनी है, जगदम्बा घर के दियारा बाहर आईनी है, जगतारन घर के दियारा बाहर आईनी आहो मैया, बाहर आईनी है बाहर आईनी आहो मैया, बाहर आईनी है, जगतारन घर के दियारा बाहर आईनी
दरबार की आज ज्योति साहू के गीत बार ऐनी है जगतारण घर में दियना, शारदा सिन्हा जी के गावल गीत और आदरणीय भैया जी। ज्योति जी आप बहुत किस्मत वाली हैं, आप पर माँ की बहुत कृपा है, आप बार बार भंवर में फंसती हैं और निकल जाती हैं, तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आज भी आप उससे निकल जाएं। बहुत अच्छा गाती हैं आप भैया, इनके खातिर आज रवा के नंबर देवे के बाटे, तो आशा बड़े नंबर तो दे चुकल हो खब। नंबर हम दे दिए हैं जी, और इनके नंबर हैं 21 21 40 में से। ज्योति साहू जी के 40 में से 21 नंबर, और ज्योति कल्पना जी और मालिनी जी के नंबर आज आपके नहीं बतावल जाई, और आज एक एक अंक बहुत संभाल के मिली। कल्पना जी हम ठीक कह ली जी? बिल्कुल। और ज्योति जी आपने इतना अच्छा शुरुआत किया, माहौल पूरा आपने भक्तिमय बना दिया, और जो कुछ बोलना है अनु जी ने बोल ही दिया है, बहुत अच्छा, बहुत ही मीठापन था। आज पहली बार थोड़ा सा ज्योति आपके गाने में मुझको कहीं ना कहीं नेजल टोन भी आज आभास हो रहा था, उसको बिल्कुल अवॉइड करिए। आवाज एकदम प्योरिटी और क्लैरिटी के संग साफ आनी चाहिए, बाकी बहुत मीठा, बहुत सच्चा गाया। माता के दरबार में आज ज्योति साहू जी के पहला प्रस्तुति भइल, ऐसा लगल कहीं मंदिर के घंटा बजल बा, कहीं घड़ियाल बजल बा, कहीं गुम्बद पे नजर लोगन के जा रहल बटे। आज भोजपुरी संगीत के महासंग्राम बटे, और महासंग्राम में केवल भक्ति गीत गावे के बटे, और ई भक्ति के गीत आप लोगन के एक घमासान में भी देही बहुत आराम। मंदिर में गुजर बा जयकार आमने सामने बटे, यूपी और बिहार, ना तो चली लाठी ना तो तलवार, चली सिर्फ सुर के धार, देखत बटे सारा संसार के अवाम, सुर संग्राम दीवाना बना दे। आज हमनी के भक्ति के महफिल में भी दीवाना बनावे खातिर लोग तैयार बा। जोरदार ताली से स्वागत करी जा बाबा विश्वनाथ के नगरी के आलोक पांडे जी के। हर हर महादेव संभो काशी विश्वनाथ गंगे। भैया इससे पहले कि आप गोपाल जी के गीत सुनी आलोक पांडे के, हमार एगो मन में प्रश्न बार बार आवत रहे कि का अनूप जलोटा जी के भी उ सब संघर्ष करे के पड़ल जौन एक गायक एक सुर सम्राट बने खातिर सबकी जरूरत पड़ेला। असल में संघर्ष जो चीज़ है, ये नाम म्यूजिक फील्ड की डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जो स्ट्रगल पीरियड जिसको कहते हैं संघर्ष का पीरियड है, वो उसका नाम होना चाहिए ट्रेनिंग पीरियड। वो हमारा ट्रेनिंग का समय होता है, क्योंकि जब वो समय होता है उसी वक्त हम सीख पाते हैं। एक बार जब नाम हो गया फिर सीखना बंद हो जाता है, फिर तो हम लोग व्यस्त हो जाते हैं कार्यक्रम में, इधर उधर भागना दौड़ना। अब जैसे आप हैं, जब आप आपका नाम नहीं हुआ था तब आप सीख पाते थे, अब जैसे ही आपका दुनिया भर में नाम हो गया है अब समय कहाँ मिल पाता है। अब तो यही समय मिलता है कि यहाँ से वहाँ ट्रैवल किए, इधर से वहाँ गए, प्रोग्राम किए, फिर आए, दूसरी जगह चले गए। तो ये संघर्ष और स्ट्रगल, ये दो चीज़ हमारे संगीत के क्षेत्र में से डिक्शनरी में से निकाल देनी चाहिए। वही सीखने का समय है, वही गोल्डन समय है हम सबके जीवन में। कभी कभी जीवन में रोले बानी, कभी रोले बानी जीवन में? आज भी रो रहे थे, आंखों में आंसू आ गए कि कहां कहां से सब आए हैं। अब जैसे आलोक पांडे जी का जब ध्यान करता हूं तो मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं। इन्होंने अपने पिताजी से ही संगीत सीखा, वो इनके गुरु हैं, और आज उनके कान में कुछ तकलीफ है, आज उनको सुनाई नहीं पड़ता। जो व्यक्ति संगीत के क्षेत्र में हो और उसको सुनने में कष्ट हो, इससे बड़ा कष्ट क्या हो सकता है। तो उनका ध्यान करता हूँ तो मेरे आंखों में आंसू आते हैं। आज माता देवी से प्रार्थना है, ईश्वर से प्रार्थना है कि उनको स्वस्थ करें
और वो सबका संगीत सुन भी सकें और सिखा भी सकें। आलोक पांडे जी, आज मैं बहुत खुश बानी जी के लगे से देखे के सपना एक रहल आज पूरा भइल और हम गुरुजी के बार बार नतमस्तक प्रणाम और आपके सामने हम एक गीत गाने की कोशिश करें। भोगवा लागेला दर्शन से भूतवा भागेला बम भोला के मस्त नगरिया बम भोला के मस्त नगरिया जे यहाँ के वासी बम बम बोल रहा है काशी बम बम बोल रहा है काशी बम बम बोल रहा है काशी एक जोरदार ताली आलोक पांडे जी खातिर। ऐसा लगत रहे कि आज हमनी के सुर संग्राम में बाबा विश्वनाथ के नगरी के अवतरण भइल बटे और हम आलोक जी खातिर सीधे आदरणीय अनूप जलोड़ा जी भैया जी के पास। बहुत अच्छा और बड़ा जोश है आपके गाने में, बहुत जोश है और आपको मैंने 27 नंबर 27 बहुत अच्छा 27 नंबर आदरणीय अनूप जलोड़ा जी से जब वो 21 से शुरुआत हो सकेला समझ सकेला कि आज तोहरे खातिर कितना बड़ा दिन बाटे और कल्पना जी बता सकेली कि आज जे शिव के भक्त होई ओहो के दुख सितम ना सताई भोला ताक दी है तो सूखल गाछ हरियर हो जाई। बस हमेशा हरियर ही होता रहे आपकी जिंदगी में। लेकिन मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो गीत का आपने चयन किया मुझे ऐसा लगा मनोज जी कि गीत में जैसे और एक पावरफुल थ्रोइंग की ज़रूरत थी, कहीं कहीं मुझे ऐसा लगा कि और अटैक होना चाहिए था, उसकी मुझे थोड़ा सा मुझे कमी महसूस हुआ। कल्पना जी हम तो ये कह कि सब लोग अभी विद्यार्थी हैं, अभी लोग सीख रहे हैं, जिस दिन परफॉर्मर बन जाएंगे तो ऐसे चटक होकर के गाएंगे क्योंकि गाना चटक मांगता है रंग। लेकिन अच्छा गाया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और सबसे ज्यादा आनंद आ गया जो बैकग्राउंड बैकड्रॉप में भोलेनाथ जी के दर्शन हुए, उसको देख करके जो सामंजस्य बन रहा था, तो हम यहाँ थे ही नहीं, हम वहीं पर थे बाबा विश्वनाथ जी के पास। बहुत सुंदर। हरा हरा महादेव। और ये हर हर महादेव के साथ अपनी जगह पे आप बैठ जाइए। आदरणीय अनूप जलोटा जी के कलम से 27 नंबर पावल एक बहुत सुखद कल्पना बाटे, कहे कि वहाँ के 21 नंबर भी देले बानी। और अब हम बुला रहल बानी अपने सुर संग्राम के मंच पे बिहार के फौजी लखीसराय के एगो भोले बाबा के रूप अशोक, पावन धाम अशोक धाम से लखीसराय से आलोक कुमार जी के जोरदार ताली स्वागत करेंगे। अनूप जलोटा जी के कैसे जाना तड़ा? बचपन से, बहुत दिन से। और आज आपके सामने बानी हमारे वालों के प्रणाम, जज लोग के प्रणाम। और गावे से पहले हम आशीर्वाद लेवे के चाहते हैं।
और सीधे सीधे आप लोगों के सामने आलोक कुमार जी को प्रस्तुत। बोलबम 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 के नारा बा इहे एक सहारा बा। बोलबम के नारा बा इहे एक सहारा बा। हाथी ना घोड़ा ना कोनो सवारी, हाथी ना घोड़ा ना कोनो सवारी, पैदल ही ऐबो तुर दुआरे ओ भोलेनाथ, पैदल ही ऐबो तुर दुआरे। हाथी ना घोड़ा ना कोनो सवारी, हाथी ना घोड़ा ना कोनो सवारी, पैदल ही ऐबो तुर दुआरे ओ भोलेनाथ, पैदल ही ऐबो तुर दुआरे। कन के पासी है अंतर्यामी, हम तुमरे छाकर तू हमरे स्वामी। ओ कन कन के पासी है अंतर्यामी, हम तुमरे छाकर तू हमरे स्वामी, हम तुमरे छाकर तू हमरे स्वामी। ना तोहरा पैदल ही आइबो तुर दुआरी। भैया बहुत अच्छा लगा, और हम जब भी टीवी पे सुर संग्राम कार्यक्रम देखते हैं तो नई नई आवाजें, नई नई प्रतिभाएं सुनकर बहुत खुशी होती, और आपको सुनकर बहुत अच्छा लगा। आपकी आवाज में बड़ा लोच है, बहुत अच्छी रेंज है, और बड़े प्यार से आप झूम के गाते हैं। आपको मैंने 28 नंबर दिए हैं। कल्पना जी कुछ आलोक जी खातिर जी, मुझे कुछ आज बोलने का आपने कोई चूक नहीं छोड़ा कि मैं कुछ बोलूं, सब कुछ सही था, बहुत अच्छा। थैंक यू। मालिनी जी, दर्शक जो घर में बैठ के देख रहे हैं ये लोकप्रिय कार्यक्रम सुर संग्राम, उनको मालूम है कि आलोक एक दावेदार हैं, मुझे कहना चाहिए प्रबल इस हकदार हैं इसके विजेता पद के, लेकिन थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि शिव के रंग में और डूबने की और तल्लीनता की अभी आवश्यकता है। शायद उम्र के संग आएगा, शायद और रियाज के संग आएगा, लेकिन अभी देखते हैं, अभी चार लोग अभी और बाकी हैं, बाकी बहुत अच्छा। थैंक यू। मचल बाटे भोजपुरी संगीत के महासंग्राम, और भक्ति के सुर में हो रहल बाटे ई घमासान सुर संग्राम। सजल बाटे देवतन के दरबार, पार्टिसिपेंट लोग लगा रहल बाटे भक्ति के प्यार, आमने सामने बाटे यूपी और बिहार, ना तो चली लाठी ना तो तलवार, चली सिर्फ सुर के धार, और चल रहल बा आप लोगन के सामने सुर संग्राम दीवाना बना दे। और आज दीवाना बनाए वाली महफिल में हम आवाज दे रहल बनी सुल्तानपुर के, जिनका के रजिया सुल्तान कहले बनी जा, अनामिका सिंह के माई के दरबार में, भोले बाबा के दरबार। सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश के अनामिका सिंह, आज इनकर प्रस्तुति बाट अतुका गावतलु निमिया के डारी मैया डाले ले झुलोवा। भोजपुरी के एक बड़ी प्रसिद्ध देवी गीत पचराव के बोलल जला आप लोग के सेवा में बैठे। आज तक हम
सुर संग्राम के मंच पर माई के नाम लेके भोजपुरी लोकगीत और भोजपुरी फिल्मन के गीत गाए हैं, लेकिन आज बड़ा सौभाग्य बा कि माई के नाम लेके माई के गीत गावे के अवसर मिला बा, और वो उनके सामने जो भोजपुरी सम्राट हैं, आज हम अपने सभी जजन के यहीं से प्रणाम करके गीत के शुरुआत करत ही कोनो गलती हुई तो क्षमा करी हैं और दुआ करिए कि हम भंवर में ना फंसी। जवनी असिसिया ए मैया ओह मलिनिया के दिहलू हो कि उहे असिसिया ना, यहाँ बैठल टीवी देखत सब अपने भक्तन के दिया हेमाई। और अब हम अनामिका जी खातिन चला तनी भैया के पास। अनामिका तुमने तो कमाल कर दिया, तुम्हारे गाने में जितने सुर थे, जितनी ताल में सफाई थी, उतनी ही भक्ति भी नजर आ रही थी। हाँ, तो भक्ति बहुत जरूरी है। और एक मैं छोटी सी बात यहाँ बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं सुर संग्राम प्रोग्राम देखता रहता हूँ तो कुछ मुझे अंदर की बातें भी पता हैं। वो ये है कि कभी कोई गायक क्या गुस्से में गा सकता है? नहीं गा सकता है ना। गुस्से में गाना नहीं हो सकता, प्रेम में गाना हो सकता है। तो ये जो गुस्सा है तुम्हारी माता जी में, वो अपने में मत लाना कभी। मनोज जी, हाँ, ये क्या तरीका बात करने का? वो छोड़ देना, हाँ? बाकी सब उनकी खूबियां ले लेना, गुस्सा उनको को अपने पर रखिए, क्योंकि मुझे गाना गाना है, मुझे गुस्सा नहीं होना, ठीक है जी? मैंने तुमको 32 नंबर दिए, 32। अनामिका के तुम आई निकाल देलस, निकल पड़ा लेकर। अब तक अनामिका के तब से अच्छा इनकर मूल्यांकन भइल बाटे। और मालिनी जी कुछ बताई इनका खातिन। बहुत ही सुंदर। हम यही कहब मनोज जी की अनामिका के सबसे बढ़िया खासियत यही बा कि इनकर जौन जौन सुझाव हमारे द्वारा, कल्पना जी द्वारा दियल गलबानी, इस सब सुझाव के अपन कमजोरी नहीं, अपन ताकत बनाए में विश्वास करे थे। लोअर नोट्स के लिए हम कह रहे थे, वो भी आपने कमी पूरी अपनी कर ली। आज बहुत अच्छा, अभी भी होल्डिंग नोट्स में आता है, लैंडिंग नोट्स में
कि अभी भी उस सुर में है, लेकिन बहुत अच्छा। और सबसे बड़ी बात जो मैं कह रही हूँ कि रच बस की श्रद्धा में पगे हुए सुर में आपने गाया, इसलिए माई ने आपका भी साथ दिया। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। अनामिका, मैं देख रही हूँ शुरुआत से लेके अब तक आप धीरे धीरे से जैसे ग्रो कर रही है आप, ये बहुत पॉजिटिव ये है और बहुत अच्छी बात है आपके लिए। माई आशीर्वाद दी तो जज लोग के अच्छा प्रतिसाद मिली, चल के अपनी जगह पे बैठ। 32 नंबर बाटे आज अनामिका के, और यह 32 नंबर के साथ अब तक के एपिसोड में अनामिका सबसे अच्छा करत दिख रहल बड़ी।